पिछली वीडियो में अच्छे चारण के जो थे नियम वो हमने अपने कर दिए थे पूरे, है ना। यहाँ की अगर हम बात करें, मैं प्रशांत कुमार मिश्रा सेकंड सैम आपके डीएलएड हिंदी के लिए, इसलिए मैं हमको इसलिए मैं आपको आक्षरिक चरण के नियम आपको मैं बताता हूँ। ये वाले में मैं आपको बताऊँगा चरण दोष के क्या प्रकार हैं। तो इसके भी प्रकार आपके बहुत सारे हैं। चारणों में दोष बहुत प्रकार से देखा जा सकता है और उसके प्रकार भी कई सारे हो सकते हैं। जैसे वर्णमाला के चारण में क ख ग घ को क ख ग घ चारण करते हैं, कौन पूर्वांचल में नहीं पश्चिमांचल में अगर हम बात करें तो वहां पर जैसे हम इसको कह रहे हैं क ख ग घ, लेकिन अगर हम बुलंदशहर साइड में हरियाणा साइड में है हरिद्वार साइड में है तो जो हमारे बोलने का टोन है हम उसमें इसको बोलने लगेंगे कै खै गै घै। तो ये था आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि स्वर लोप, जहाँ पर हम आपका कोई भी आपका जो स्वर हो अगर हम उसका लोप करते हैं तो हम जैसे क्या करते हैं का दश को एकादशा बोलते हैं, तो यह भी उच्चारण दोष का प्रकार है। जैसे आपने भी गांव में ये चीज़ देखी होगी कि अगर किसी बच्चे का नाम राम है तो उसके फैमिली में क्या बोलेंगे अरे रामा, तो क्या करते हैं कि हम उसमें स्वर लोप के साथ में हम उसमें दीर्घ मात्राओं का भी जोड़ करके हम उसका चारण के साथ उसको बिगाड़ देते हैं। चारण उदाहरण नंबर अपना ये पॉइंट नंबर अपना ये तीन है कि हम अगर कोई भी वर्ण आपका शब्द कह रहे हैं तो हम उसके अंत में आपकी ई लिखते हैं, कौन सी वाली ई, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो हम उसको बड़ी का जो स्वर होता है उसमें आप बोल देते हैं। जैसे आपके मनु को मनु, है ना। तो ये रहा पॉइंट नंबर चार आपके स्वरागम का भी दोष होता है, जैसे स्कूल स्टेशन, हम इसमें क्या करते हैं ई और सा लगा करके स्टेशन बोलते हैं, तो यह भी स्वर दोष का ही एक प्रकार है, उच्चारण दोष का ही एक तरीका है। पॉइंट नंबर पांच आपका कि स्वर भक्ति का दोष, कि हम कभी कभी किसी भी आपके स्वर में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि हम उसको जैसे कि हम आपके प्रताप को क्या पढ़ते हैं प्रताप, तो ये आपके स्वर भक्ति का दोष होता है। पॉइंट नंबर आपका छह है कि रे को क्या पढ़ते हैं र पढ़ते हैं, कौन सा वाला री वाला जो होता है वो ऋषि वाला जो है जो रहा है हम उसको सादा वाला जो होता है राम है उसको हम पढ़ने लगते हैं, तो यह भी हमको दिक्कत हो जाती है। जैसे वृक्ष को वृक्ष हम कहने लगते हैं तो यह भी उच्चारण का एक दोष है। अच्छा पॉइंट नंबर सात है कि हम उसको कॉपी पेंसिल पर कुछ और कह रहे हैं, पेन से कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जब हम उसको बोल रहे हैं तो कुछ और बोल रहे हैं। जैसे हमने उसको पेंसिल से कहा गौशाला, लेकिन जब हम उसको बोलते तो बोलते हैं गौशाला गौशाला, यानी कि पहले हमने ओ की मात्रा ली लेकिन दूसरी बार में हमने बड़े ओ की मात्रा इसमें ली, तो यहाँ भी चरण का दोष ही समझा जाएगा। अच्छा पॉइंट आपका नंबर है आठ कार व कार के दोष को भी, जैसे हम श्रीमत को श्रीमती बोलते हैं और पति को पति बोलते हैं, ये भी क्या है कि वहाँ पर मात्रा है छोटी लेकिन हम उसको बोल रहे हैं उच्चारण कर रहे हैं तो बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है। नंबर नौ चंद्र बिंदु तथा अनुस्वार, कि कहाँ पे आपके अंकी बिंदी का सही प्रकार से प्रयोग करना है और चंद्र बिंदी का ये वहम प्रत्येक विद्यार्थी के मन में प्रत्येक समय पर बना रहता है या वह इस वेद को ढंग से समझ नहीं पाता है। तो जैसे शुरू के स्थान पर आंशु बोलते हैं आंशु,
आंशू, तो ये जो आ और शू जो बोला है ये बिल्कुल चारण दोष में इसको समझा जाएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका है 10। ये कहता है अणा को हम ना के चारण में बोलते हैं, जैसे प्रणाम को आपके प्रणाम है ना, तो यह भी चारण का एक प्रकार का दोष ही माना जाता है। दोष नंबर 11, दोष नंबर 11, ये तो भैया हमने आपको 500 बार बताया होगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। स को बोलना श और ग को बोलना प, है ना। बहुत से बच्चे आपके शा का उच्चारण अत्यधिक करने लगते हैं। और पॉइंट आपका नंबर है 12 है कि अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो आपका छतरी वाला जो छा होता है उसको छाते वाला छा पढ़ने लगते हैं, और जब आपका होता है ग्या तो उसको ग और या में पढ़ने लगते हैं, बोलने लगते हैं। पॉइंट नंबर आपका आता है 13, शुद्ध वाचन अशुद्ध वाचन। जैसे आपका शब्द है योग और हम उसको बोलने लगते हैं जोग, या के स्थान पर जोग हम उसको पढ़ने लगते हैं, तो भी यहां पर भी उच्चारण दोष का प्रकार ही समझा जाता है। और पॉइंट नंबर 14 आपके कि आपका वर्ण है ना और हम उसको बोले रणा, जैसे रावण को हम बोलते हैं रावण, रावण। तो ये थे आपके 14 पॉइंट उच्चारण दोष के प्रकार आपके, है ना, कि हम ये प्रकार से इतने प्रकार से उच्चारण में दोष को दिखाते हैं या हम दोष को प्रयुक्त करते हैं। तो ये आपके दोनों पॉइंट आपके आक्षरिक क्षरों का प्रकार और उच्चारण दोष के प्रकार, ये आपको दोनों पॉइंट आज हमने आपको दोनों वीडियो में बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उच्चारण दोष के क्या मुख्य परिणाम होते हैं, क्या उनके भेद होते हैं, क्या उनके कारण होते हैं। तो अब आप जो है नेक्स्ट वीडियो का आप प्रतीक्षा करें सेकंड सेम के बच्चे, और पढ़ाई पर अपने ध्यान दें बच्चों, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप उसको मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी सभी दिक्कतों को समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा जहाँ तक मेरी पावर की बात है, आपकी क्या आपकी बात है। अब तक आप लोग महामारी फैलती जा रही है, स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो अपना जो घर है वहाँ पर रहें, सेफ रहें, सामान्य व्यक्तियों से दूर रहें, 2 गज की दूरी बना के रहें, मास्क का प्रयोग करें, घर के अंदर घुसें तो हाथ पैर धोकर के घुसें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना हटी। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्र आपसे इजाजत चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे। अब तक के लिए सेफ रहें, होशियार रहें, सावधान रहें। धन्यवाद, प्रणाम। जिन बच्चों के प्रोजेक्ट हिंदी और संस्कृत की फाइल PDF के द्वारा उसको भेजी गई है सेकंड सेम में, मैं उन सभी बच्चों का थैंक्स करना चाहूँगा कि आप सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर वर्क एंड योर स्टाइल एंड योर गुडनेस। तो आप लोगों का प्रोजेक्ट कार्य फाइल कार्य बहुत अच्छा है, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। और से ही जिन बच्चों की फाइल और प्रोजेक्ट जो अब तक मुझे नहीं भेज पाए हैं, वह भी अपनी PDF और फाइल को जल्द से जल्द भेजना आपका बहुत धन्यवाद होगा।